हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस प्लस न्यू इंग्लिश वोकेबलरी जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेसन शुरू करते हैं आप अक्सर बच्चों को समझाते हुए कहते हो उस पर हाथ मत उठाना डोंट रेज योर हैंड टू हर डोंट रेज योर हैंड टू हर कभी किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए नेवर रेज योर हैंड टू एनी वन नेवर रेज यूर हैंड टू एनी वन उसने मुझे पेट में घुसा मारा ही पंचमी इन द स्टमक ही पंचमी इन द स्टमक उसने मुझे नाक में मुक्के से मारा ही पंचमी ऑन द नोज ही पंचमी ऑन द नोज आप बच्चों को समझाते हुए बोलते हो कि धूप में मत जाओ धूप तेज है तो आप बोलोगे डोंट गो इन द सन द सन इज ब्राइट टूडे डोंट गो इन द सन द सान इज़ ब्राइट टुडे पूरी बांह का कपड़ा पहन लो पुट ऑन अ फुल स्लीव ड्रेस पुट ऑन अ फुल स्लीव ड्रेस आप बच्चे को बोलते हो खाते खाते पानी मत पियो तो आप बोलोगे डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग डोंट ड्रिंक वाटर वाइल्ड ईटिंग टीवी देखते हुए लड़ो मत डोंट फाइट वाइल वॉचिंग टीवी डोंट फाइट वाइल्ड वॉचिंग टीवी प्रेयर करते हुए बोलो मत डोंट स्पीक वाइल प्रेइंग डोंट स्पीक वाइल प्रेइंग आप बच्चे को बोलते हो कि पैर घसीट कर मत चलो तो आप बोलोगे डोंट स्कफ़ योर फीट वाइल वॉकिंग डोंट स्कफ़ योर फीट वाइल वॉकिंग सब्जी में नमक कम है देयर इज लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल देयर इज लेस सॉल्ट इन द वेजिटेबल दरवाजे के पीछे एक खूंटी है देयर इज अ पैक बिहाइंड द डोर देयर इज़ अ pack बिहाइंड द डोर मुझसे गलती हो गई आई वॉज़ एट mistake. आई वॉज़ एट mistake. मेरे ख्याल से नल खुला रह गया है आई थिंक द टैप हैज़ बीन लेफ्ट ओपन आई थिंक द टैप हैज़ बीन लेफ्ट ओपन मुझे फेशियल करवाना है आई एम टू गेट द फेशियल डन आई एम टू गेट द फेशियल डन तुम मुझे बहुत सताते हो यू ट्रबल मी अलॉट यू ट्रबल मी अलॉट अपनी चिढ़ाने वाली हरकतें बंद करो स्टॉप योर ग्रम्पी थिंग्स स्टॉप योर ग्रम्पी थिंग्स आप बोलते हो इधर उधर की बातें करना बंद करो तो आप बोलोगे स्टॉप बीटिंग द बुश स्टॉप बीटिंग द बुश जिद्दी मत बनो डोंट बी स्टबर्न या फिर आप बोल सकते हो डू नॉट बी स्टबर्न तुमने झूठ क्यों बोला वाई डिड यू स्पीक लाई वाई डिड यू स्पीक लाई लाई यानी झूठ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो वट डू यू वॉन्ट मी टू डू वट डू यू वॉन्ट मी टू डू तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ डू यू थिंक आई एम स्टूपिड डू यू थिंक आई एम स्टूपिड इसे छोड़ो लेट इट गो लेट इट गो कोशिश करते हैं लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई जब आप बोलते हो जैसे उसने बताया वैसे करो तो आप इंग्लिश में बोलोगे डू एज शी टोल्ड यू डू एज शी टोल्ड यू तुम क्या चाहते हो वट डू यू वॉन्ट व्ट डू यू वॉन्ट आप बच्चे से कहते हो कि इसे खुद करो तो आप इंग्लिश में बोलोगे डू इट योर सेल्फ डू इट योर सेल्फ क्या तुम्हें बुखार है डू यू हैव अ फीवर डू यू हैव अ फीवर इसे दोबारा करो आप बच्चे से कहते हो कि इसे दोबारा करो तो आप बोलोगे डू दैट अगेन डू दैट अगेन कुछ तो बोलो से समथिंग से समथिंग बच्चे को सीधा लेटा दो टर्न द चेस्ट अप ऑफ बेबी टर्न द चेस्ट अप ऑफ बेबी रोटी कच्ची है आप बोलते हो कि रोटी कच्ची है रोटी पकी नहीं तो आप बोलोगे द चपाती इज़ अंडर कुक्ड द चपाती इज़ अंडर कुक्ड मैं आटा गूंथ रही हूँ आई एम नीडिंग द डो आई एम नीडिंग द डो आप कहते हो कि सुई में धागा डाल दो तो आप इसे बोलोगे थ्रेड द निडल थ्रेड द निडल आप बच्चे से बोलते हो कि पैर घसीट के मत चलो तो आप बोलोगे डोंट ड्रैग योर फीट डोंट ड्राई योर फीट जरा बाहर का दरवाजा देख कर आओ जस्ट चेक आउट द मेन डोर जस्ट चेक आउट द मेन डोर आप कहते हो कि उसने मुझे आँख मारी तो आप बोलोगे शिव विंग्ड एटमी शिव विंगड ऐटमी तुम्हें बाल कटवाने ही पड़ेंगे यू हैव टू गेट द हेयर कट यू हैव टू गेट द हेयर कट मुठी बंद करो क्लेंच योर फिस्ट फीस्ट यानी मुट्ठी, क्लेंच योर फीस्ट अगर आपको बोलना है कि मुट्ठी को खोलो तो आप बोलोगे अनक्लेंच योर फीस्ट अनक्लेंच योर फिस्ट। चाबी को जोर से मुट्ठी में पकड़ो होल्ड द की टाइटली इन योर फीस्ट होल्ड द की टाइटली इन योर फीस्ट उसने घुसा जोर से दीवार पर दे मारा ही बैंग्ड हीज फीस्ट ऑन द वॉल अपने बालों की चोटी बना लो ट योर हेयर बैक इन अल या फिर आप बोल सकते हो पुल योर हेयर बैक इन टू अ पोनीटेल आप बोलते हो कि लाओ में तुम्हारी चोटी गूंथ दू तो आप बोलोगे लेटमी ब्रेड योर हेयर लेटमी ब्रेड योर हेयर आप बोलते हो कि ला तेरी दो चोटियां बना दू तो आप बोलोगे लेटमी ब्रेड योर हेयर इन टू पिकटेल्स पिकटेल यानी दो चोटियां उसने दो चोटियां की हुई थी शी हैड हर हेयर डन इन पिकटेल्स शी हैड हर हेयर डन इन पिकटेल्स बालों का जूड़ा बना लो डू आप योर हेयर इन अ बन डू आप योर हेयर इन अ बन अपने बालों को खुले छोड़ दो वेयर योर हेयर लूज वेयर योर हेयर लूज लूज यानी ढीला या खुला नेत्रमल नेत्रमल को दोस्तों आई मट भी बोलते हैं आई बुगर भी बोलते हैं और आई गंक भी बोलते हैं अगर आप बोलते हो कि अपनी आंखें साफ करो तो आप बोलोगे वाइप ऑफ योर आई मज ऑफ योर आई मज जो चाहते हो चुन लो चूज व्हाट यू वॉन्ट चूज व्हाट यू वॉन्ट आप कहते हो कि खुली हवा में गहरी सांस लो तो आप इंग्लिश में बोलोगे टेक अ डीप ब्रीथ इन ओपन एयर डीप ब्रीथ इन ओपन एयर मैं उसे देखने के लिए कभी कभार जाती हूँ आई गोट टू सी हिम नाव एंड अगेन अगर आप बोलते हो कि मैं बीच बीच में जाती हूँ तो आप बोलोगे आई गोट टू सी हिम एवरी नाव एंड अगेन आई गोट टू सेम एवरी नाव एंड अगेन अगर आप बोलते हो कि तुमने मेरा भार हल्का कर दिया या मेरा बोझ हल्का कर दिया तो आप इंग्लिश में बोलोगे यू लाइट एन माई बर्डन यू लाइटन माई बर्डन सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेसन तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो